माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी टेट का जो एग्जाम आपका हुआ है उसका मैथ का जो पोर्शन था, जिसमें 91 से लेकर माय डियर 120 तक नंबर तक जो 30 क्वेश्चन आपके दिए गए थे, उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। और ये एग्जाम कब का है माय डियर, जो हुआ था आपका 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 2022 को, मतलब लेटेस्ट अभी जो हुआ है संडे को आपका एग्जाम, उसका मैं सॉल्यूशन आपको यहाँ बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स पोर्शन का। इससे क्या होगा दोस्तों, आप क्वेश्चन के आंसर चेक कर सकते हो, कौन कौन से आपके ठीक थे, कौन कौन से आपके ठीक नहीं थे, वो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप टीचर हैं माय डियर, तो इससे बच्चों को समझा भी सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगा हुआ था। बहुत ही डीपली तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आपका 91 है। यहाँ पे 91 क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में क्या था माय डियर, यहाँ पे आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आपके वही रहेंगे, 91 पे आपका और कोई सा हो सकता है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सारी चीजें आपके क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा माय डियर कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटा दिए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं, ठीक है, मापक कौन से प्रभावित होते हैं। देखिए तो इसमें माय डियर आपको जो शब्द दिए उनको देखना। देखिए एक बहुलक दिया है, तो आप साइड में यहाँ पे बहुलक लिख दीजिए, क्या दिया माय डियर आपको, बहुलक दिया है आपको एक यहाँ पे, ठीक है, एक दिया यहाँ पे माय डियर आपको माध्य, और एक दिया माय डियर आपको माध्यिका, ठीक है, क्या दिया है माध्यिका, ठीक। इसे बोला जाता है मीडियन, इसको मीन और इसको मोड, ठीक है, या हिंदी में पढ़ रहे हैं हिंदी में रहने दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले माय डियर मैं आपको एक यहाँ पे आरोही क्रम में आंकड़े लिख के बताता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए मैं कोई भी आंकड़े यहाँ पे ले लूँ, जैसे मैंने ले दिया 6, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 16, फिर 18, कोई भी आंकड़े मैंने माय डियर यहाँ पे आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखिएगा और बड़े ध्यान से दोस्तों आपको समझना इस चीज को, अगर आप समझ पाए तो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, स्टूडेंट को भी आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक। बहुलक माय डियर क्या होता है कि बहुलक जो सबसे ज्यादा यहाँ पे आया होगा, रिपीट हुआ होगा, वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे दो सबसे ज्यादा दो बार जो रिपीट हो रहा है वो 6 हो रहा है, तो 6 इसमें आपका बहुलक हो जाएगा। या 8 आपका यहाँ पे 3 बार आ रहा होता है, तो 8 ही आपका क्या होता है, यहाँ पे बहुलक होता है, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो अगर मैं पहला नंबर या लास्ट का नंबर यहाँ से निकाल दूं और वही नंबर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 6 ही होता है आपका, सपोज कीजिए पहला और लास्ट का मैंने निकाल दिया, तो बहुलक को फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। दूसरा माध्य, माध्य क्या होता है, एक तरीके से एवरेज होता है माय डियर, क्या होता है, एक तरीके से एवरेज होता है, मतलब औसत होता है आपका, ठीक है। औसत का मतलब होता है इन सभी को टोटल करके आपको डिवाइड देना, जब दो नंबर यहां से निकाल दिए जाएंगे तो डिवाइड देने भी आपको दिक्कत आएगी, तो बहुलक में भी प्रॉब्लम होगी और माध्य माध्य में भी आपके मीन में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तीसरा आता है माध्यिका, माध्यिका में अगर दोस्तों पहला वाला हटा दिया जाए या लास्ट वाला हटा दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माध्यिका निकालने का सीधा सीधा सा मतलब है कि मिडिल वाले दो को लेकर दो से डिवाइड कर दिया जाता है, आरोही क्रम में लिखे हुए हैं तो, अगर आरोही क्रम में नहीं है तो नहीं ऐसा किया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें सीरीज में ऑलरेडी कहा है पहले से आरोही क्रम का है, क्यों कहा है आरोही क्रम, कि भैया आरोही क्रम में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ होगा, तो माध्यिका जब माइडियर निकाली जाएगी तो बीच वाले दो नंबर को जोड़कर दो से डिवाइड कर दिया जाता है, माध्यिका आ जाती है। मतलब आपका जो देखिए प्रवृत्ति कौन कौन से मापक पे फर्क पड़ेगा, तो माध्यिका पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, माध्यिका पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में जहां जाकर आपका माध्यिका है, माध्यक है, मतलब माध्यिका माध्यक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो है उसको हटा। देखिए इसमें माध्यक है इसको नहीं लेंगे, इसमें माध्यक है इसको नहीं लेंगे, इसमें माध्यक है इसको नहीं लेंगे, फर्क किस पे पड़ेगा, माध्य और बहुलक पे, किस पे पड़ेगा, माध्य और बहुलक पे, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ माय डियर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा था। देखिए ये कहा गया था कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया गया, यदि इसे 1 सेंटीमीटर वाले घन में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक। दो तीन दिन पहले ही मैंने ऑलरेडी घन और घनाव की वीडियो डाली है, इसमें प्रॉपर तरीके से आपको ये पैटर्न समझाया था, थोड़ा सा समझा देते। देखिए किसकी बात कर रहा है, जिसका एक फलक रंगीन हो, ठीक है, घन होता है इस प्रकार का। चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली, ठीक है, जिससे सारी चीजें क्या होंगी आपकी क्लियर होंगी।
ठीक है। देखिएगा सारी चीजें माय डियर आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं, एक एक पैटर्न मैं आपको क्लियर यहाँ पे कॉन्सेप्ट के जरिए समझाऊंगा, इससे कोई प्रॉब्लम आपकी ना हो, थोड़ा टेढ़ा बन जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना। देखिए जिसका एक फलक रंगीन हो, एक ही फलक पर क्या हो, रंग हो, ठीक है, पहले इसको पूरे को रंग आ गया, एक फलक पर रंगीन हो वो हिस्सा होता है माय डियर आपका ये वाला, कौन सा होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए ये वाला होता है, ये बीच वाला हिस्सा, ठीक है, इसका एक फलक क्या हो, रंगीन हो, ठीक है, ये वाला निकलता है यहाँ से, ठीक है, बाकी इसके तीन यहां से निकलते हैं, दो यहां से निकलता है, एक फलक वाला रंगीन यहीं से निकलता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता था माय डियर, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऑलरेडी मैंने क्लास बनाई हुई है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां आपको फॉर्मूला बताया था कि आपका जो फॉर्मूला होता है माय डियर वो होता है आपका n 6 n - 2 2 होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो n होता है वो कैसे आता है, n जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है बड़े घन की भुजा, कैसे निकाला जाता है, बड़े घन की भुजा, ठीक है, बटे होता है छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, ठीक है। तो बड़े घन की भुजा यहाँ पे दी है कितनी, 5 दी है, देखिए 5 दी है, और छोटे घन की दी है आपको 1 दी है, तो 1 का यहाँ पे डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, एन आपका 5 आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 6 का 6 एन 5 - 2 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा माय डियर 6 × 3 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा माय डियर 6 × 3 होल स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा 54 वाला। और दूसरी बात माय डियर, यहाँ पे बाहर से बहुत ज्यादा साउंड आता है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें, थोड़ा सी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मैडम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया था पंचभुज के अंत कोणों का योग बताइए, ये भी वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पॉलीनोमियल समझाया था, पॉलीनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका बहुभुज, ठीक है, बहुभुज से, ठीक है, पंचभुज आपका पूछा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला है आपका माय डियर n - 2 × 180, ठीक है, n मतलब होता है यहाँ पे भुजा, n मतलब माय डियर क्या होता है, यहाँ पे भुजा होती है, तो यहाँ पे भुजा दी है पंचभुज, पंचभुज मतलब 5 भुजाएं होंगी, तो 5 यहाँ पे पुट कर लेंगे, 5 - 3 और यहाँ पे हो जाएगा माय डियर 180, तो ये हो जाएगा माय डियर, सॉरी 2 है, अभी गलत हो जाता, यहाँ से 3 × कितना हो जाएगा 180, तो हो जाएगा 18 × 54, 540 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका माय डियर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये भी चीज यहां से आपकी क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसको समझते, देखिए एक खम्भे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धसे हुए 1/3 बार भाग खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खम्भा अभी कीचड़ में है, ठीक है। देखिए खम्भे की पूरी माप बताइए, इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझाएंगे। देखिए जैसे एक ये यहाँ पे खम्भा धसा हुआ है, ठीक है, ये वाला यहां से, ठीक है, और थोड़ा बाहर जो बाहर है वो थोड़ा सा भाग बाहर की तरफ है और धसा हुआ है, ये मतलब जो धसा हुआ है 4/7 भाग कीचड़ में दसा है, तो बाहर कितना होगा, ठीक है, बाहर वाला देख लेते हैं। देखिए 4/7 जो है दसा है, ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो इसमें से इसको माने, देखिए 7 में से 4 दसा है तो बाहर कितना होगा 3/7, यही तो होगा बाहर, 1 में से माइनस कर लीजिए, ऐसे कैलकुलेट करके भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, 7 × 7 = 4 गए तो 3/7 बाहर है आपका, ठीक है। अब जब कहा गया जब दसे हुए का 1/3, तो दसा हुआ कितना था 4/7, तो दसे हुए का 1/3, तो 4/7 दसा था, इसका 1/3 का मतलब गुणा 1/3 मतलब हो जाएगा 4/21, ठीक है, कितना मान लिया 4/21, ठीक है, भाग खींच लिया जाता है, मतलब इतना सा भाग लगभग भाग खींच लिया गया, तो ये अब 7 वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, दसा हुआ यहां तक रह गया, ठीक है, तो पाया गया कि 8 माप का खम्भा अभी कीचड़ में है, तो ये जो माप है वो 8 है, तो टोटल ये कितना था, ठीक है, तो यहां से देखिए ये भार वाला हिस्सा ये रहा और भार वाला हिस्सा ये रहा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 4/21, ठीक है,
तो इसका एलसीएम लेंगे माइडियर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 7 + 21 = 9 + 21 = 4 तो कितना हो जाएगा माइडियर 13, टोटल कितना आ गया 13, 13 बट्टा कितना हो गया 21, ठीक है। तो टोटल जो खम्मा होगा वो भी एक होगा, एक ही तो मानते थे हम, एक एक में से माइडियर हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज करेंगे तो चीजें अलग अलग समझ में आएंगी। तो एक में से माइडियर हम क्या करेंगे यहाँ पे 13 बट्टे 21 घटा देंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप यहीं से घटा सकते हैं, ठीक है, 21 में से 13 के तो 8, तो कितना आ जाएगा 8 बट्टे कितना 21। जो कीचड़ में दशा है वो कितना 8 बट्टा 21, जो नहीं दशा है वो 13 बट्टा 21, ठीक है। तो दशा है वो 8 दिया गया, तो ये 8 के बराबर हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 21 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइडियर 20, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा। एक बार रिपीट करके और देख लेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए टाइमड वर्क का भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम करने वाले हैं इसको, देखिएगा। यहाँ पे दिया है माइडियर ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पे दिया है माइडियर ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। हमें क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम माइडियर आ जाएगा 60 आपका, आ गया 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 20 × 3 = 60, ठीक है। ये होती है आपकी कैपेसिटी, ये सबको पता है, अच्छे तरीके से जानते हैं कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की कैपेसिटी मतलब डबल डबल है, कितनी है डबल डबल है, टोटल कितनी हो रही है यहाँ पे 12, तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी आ जाएगी माइडियर 6। बात है, कैपेसिटी क्यों निकालने, क्योंकि हमसे पूछा गया टाइम। देखिए टाइम जब हम माइडियर निकालते हैं तो हम टोटल वर्क में टोटल कैपेसिटी, जो भी कैपेसिटी, कैपेसिटी का डिवाइड दे, जो आपका पूछा है उस कैपेसिटी का डिवाइड देते हैं। टोटल कैपेसिटी पूछा है तो टोटल कैपेसिटी का देंगे, क्यों देंगे, तीनों का अगर इकट्ठा पूछा जाता है तो तीनों का यहाँ पे डिवाइड देते थे, लेकिन ऐसा नहीं था यहाँ पे, चीजों को समझ। अब मैंने दो क्यों लिया यहाँ पे, पता है ये दो दो है, दो ए हो रहे हैं इसमें, दो बी आ रहे हैं इसमें, और दो ही सी आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने दो कॉमन लिए थे ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए का अकेले का पूछा गया, तो ए बी सी तीनों की कैपेसिटी कितनी है 6, और अगर मैं बी सी की इसमें से कैपेसिटी निकाल दूं, बी सी की कैपेसिटी कितनी बैठी है 4, 4 अगर इसमें से निकाल दूं तो ए की कैपेसिटी कितनी रह जाएगी 2 रह जाएगी ना। तो टोटल वर्क देखिए माइडियर कितना है 60 में दे देंगे, ए का पूछा है ए की कैपेसिटी अकेले कितनी है 2 का भाग इसमें दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा माइडियर 30 आपका आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। एक बार रिपीट करके देखेंगे, टाइम एंड वर्क के हमारे वीडियो देखेंगे और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा है भैया, क्वेश्चन तो काफी अच्छे अच्छे आए थे, टेट का बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स होता है माइडियर, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसमें कहा गया यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, किसी वस्तु का सीपी बराबर है एसपी के, कब, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2, विक्रय मूल्य मतलब एसपी का कितना 3/2, बताइए समझ में। यहां देखिए मतलब आपका जो सीपी हो गया माइडियर, इसमें सीपी तो हो गया आपका 2, एसपी हो गया 3, सीपी मतलब खरीदा, क्रय किया, ठीक है। तो 3 में खरीदा और 2 में माइडियर बेच दिया, 3 में खरीदा 2 में बेच दिया, तो कि 3 में खरीदा 2 में बेच दिया तो हानि कितने की हुई, हानि हुई माइडियर कितने की, 1 की, हानि का परसेंटेज 1 की हानि हुई, कितने पर माइडियर 3 पर, 3 नीचे इंटू कितना 100, तो ये हो जाएगा माइडियर 100/3%, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 33/1/3% कितना हो जाएगा लॉस, लॉस देखिए 33/1/3 में यहाँ पे दो ऑप्शन दिए, एक हानि एक लाभ और एक हानि, क्यों दिया है, क्योंकि देखिए 3 में खरीदा 2 में बेच दिया तो लॉस हो रहा है, तो लॉस वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, आगे बढ़ते सिंपल से क्वेश्चन है माय डियर, घबराने की आपको कोई जरूरत इसमें नहीं। देखिए अब माय डियर इसको तो सीधा सीधा करना पड़ेगा बच्चों की तरह, इसमें दिया है 12 से भाग देने पर शेष फल है, ठीक है, 12 से इस संख्या में भाग देना है, देखिए 12 10 12 में 12 से भाग देना, देखिए 12 एकम 12 एक बार गया,
यहां से 101 में देखिए 12 टे 96 गया, कितना बचा 5, 12 चौक 48 कितना बचा 52 था, 12 चौक 48 कितना बचा 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, शेष बार यहाँ कोई ट्रिक नहीं, कोई पैटर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको डिवाइड देना है, आपको रिमाइंडर पता चल जाए, बात आ जाती है इकाई अंक की। इकाई अंक वाला क्वेश्चन आ गया तो इकाई अंक तो बहुत ही आसान होती थी कि मल्टीप्लाई में इकाई अंक क्या होता है, लास्ट लास्ट नंबर को किसी डिजिट का लास्ट जो अंक होगा, डिजिट होगा, वही आपका इकाई अंक होगा। ठीक है, तो जब लास्ट का निकालते हैं तो इकाई अंक जब हम निकालते हैं मल्टीप्लाई, तो लास्ट लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते जाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे पीछे से कर देते, 8 2 9 18 का केवल 8 की आपको जरूरत है, 8 का इसमें कर दी, 8 6 48 फिर आपका 8 आ गया। ठीक है, यहां तो देखिए 2 9 18 के 8, फिर 8 ले लिया, 8 6 48 फिर 8 आ गया, फिर 8 का 8 में कर दिया कितना हो गया 64। ठीक, 4 आपका आंसर आ गया, 4 आपका क्या आ जाएगा, यूडी आ जाएगा, यूनिट डिजिट इकाई, क्योंकि ऑप्शन नंबर ही आपका बिल्कुल ठीक। उच्च लेवल के क्वेश्चन थे भैया, देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए माध्यक, देखिए माध्यक आ गया कि नहीं, माध्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है, और असेंडिंग ऑर्डर में हम कब लिख पाएंगे भाई, जब लिख पाएंगे कि जब हमें x पता होगा तो हम x को निकालेंगे। पहले हम x को कैसे निकालेंगे कि हमको तो दिया है माध्य, यहाँ पे माध्य दिया कितना 4.5। ठीक है, इसको टोटल को यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, देखिए बराबर लिखेंगे, सॉरी बराबर लगाना था, टोटल यहाँ पे करेंगे तो ये 42 प्लस x हो जाएगा, 42 प्लस क्या हो जाएगा माय डियर, x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये टोटल कितनी है आपके, 10 है, तो 10 लिखते, ऐसे तो निकालते हैं भाई, माध्य कैसे निकालते हैं ऐसे, तो हम सीधा सीधा गुणा कर देंगे। अब क्या करना है, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 42 बराबर प्लस बड़ा लग रहा है आज यार, बराबर कितना 45 हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x इक्वल आ जाएगा आपका 3, तो 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, कर दिए। अब माध्यक निकालना है तो माय डियर असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमें लिखना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपका 1 आ गया, फिर उसके बाद आपका 1 के बाद यहाँ पे ओनली 2 है, 2 ले लिया, 3 2 टाइम है, 2 टाइम 3 ले लिया, एक हमने निकाला था, 4 1 टाइम है, देखिए 2 टाइम मतलब 2 बार। ठीक है, यहां से 4 और इसका 5, यहां से माय डियर आपका 7, फिर आपका 7 और फिर आपका 8, देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए मीडियन निकालना, क्या निकालना है माय डियर, मीडियन। ठीक है, अब भैया मीडियन निकालना मैंने आपको बता दिया था, मीडियन मतलब माध्य का आपको निकालनी है, तो बीच वाले देखिए, बीच वाले, ठीक है, 5 इधर से और 5 इधर से, तो बीच वालों को जोड़ लीजिए, 4 प्लस 5, देखिए मीडियन पे, देखिए एक चीज बहुत क्लियर हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 9 बटा कितना 2, तो आंसर आ जाएगा आपका 4.5। ठीक है, अब देखना बड़े ध्यान से, अगर इनको मैं हटा देता मीडियन आप तब भी निकाल पाते जो कि 91 क्वेश्चन में था, वही चीज थी इसमें भी। ठीक है, और क्लियर हो गया वो वाला क्वेश्चन। देखिए इसका ऑलरेडी मैंने टिक लगाया हुआ है क्योंकि भैया इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो रटने वाला था कि सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय जाता है लाप्लास को। देखिए कितना अजीब सा नाम है इसका लाप्लास। ठीक है, ये ऑप्शन आपको ठीक हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिया था। ठीक है, कहीं मुझे ध्यान आ रहा था, जीके वैसे मेरी कमजोर, इससे पहले वाला क्या था, ये वाला, इसके बाद आपका 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, समझते हैं भैया फॉर्मूला बेस्ड हो चाहे कैसा भी, समझना था हमको। देखिए इस तरीके से अगर आपका ये ट्राइंगल आपका दिया, यहाँ आपका बना के बताता हूँ, और यहाँ पे अंदर ये ट्रायंगल दिया है। ठीक है, यहीं से समझ लो यार क्यों बना रहे हैं, किसी फ्राई का थोड़ी ना है हमारा ये। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये चारों इससे क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसका ट्रायंगल देखिए, तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। ठीक है,
ये होता है माय डियर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये आपने बहुत पढ़ा हुआ टेंथ में, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है ना माय डियर, वो पता है क्या होता है? 4:1 होता है। मतलब इसका ये चार हिस्से, 1, 2, 3, 4 को मिला के, ठीक है, 4:1 कितना होता है? 1 होता है। बात क्लियर हुई? तो इसमें कुछ था ही नहीं, आपसे पूछा है DEF, देखिए DEF का जो एरिया होगा ना वो 1/4 होगा ABC का। मतलब ये फॉर्मूला ही होता है, DEF का जो एरिया होता है माय डियर, DEF का जो एरिया होता है वो 1/4 होता है ट्राइंगल ABC का। यहां से देख लीजिए 1/4 ABC का, यही ऑप्शन ठीक है, तो यही ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और टेंथ में तो काफी पढ़ा हुआ आपने। देखिए ये इस क्वेश्चन में मुझे अभी डाउट है माय डियर, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, तो इसको मैं ऑलरेडी डाउट में था ये क्वेश्चन मेरा, क्योंकि आंकड़े का समांतर माध्य बराबर ए दिया है, ज्यामिति माध्य आपका जी हरा था उपमाध्य, ये थोड़ा सा मेरी नॉलेज से बाहर है, जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो इसको किसी यूट्यूब चैनल से देख के आपको बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं आता। देखिए मैं अभी डाउट में हूँ, इसी को किसी दिन मैं वीडियो आपका टेट के लिए पेपर बनाऊंगा, तो उसमें इसको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रह जाएगा आपका, इसके बाद इसको देख लेते हैं। देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, दो संख्या मान लीजिए और गुणनफल 5 और 36 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। बहुत ही सिंपल है, सिंपल है, इसका ट्रिक भी होता है, पहले समझ लें। देखिए दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या मान लीजिए माय डियर एक्स और वाई, इनका अंतर मतलब एक्स माइनस वाई कितना दिया है 5, गुणनफल कितना दिया है एक्स वाई आपका 36, ठीक है। इनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब व्युत्क्रम शब्द समझाना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको ट्रिक नहीं बताया इसकी, ठीक है, चाहता तो डायरेक्ट। व्युत्क्रम का मतलब होता है एक्स का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, इनका अंतर, इनका अंतर, इनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम निकाले इनका अंतर, अंतर करेंगे तो 1/x माय डियर, ठीक है। चाहे आप इसे ले लीजिए पहले, चाहे इसे लीजिए, अगर मैं y माइनस x कहता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंतर की बात कही, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर बड़ा है, तब भी आपका 5 रखेंगे, ठीक है, माइनस दोनों का अंतर 1/y, तो ये हो जाएगा माय डियर y माइनस का x, सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई, ठीक है, y माइनस का x या x माइनस का y आपका कितना दिया है 5, और यहाँ पे दिया है आपका मेडियन कितना 36, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये ऑप्शन नंबर आपका 5/36 ही ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट 13 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट, 103 मतलब 13, 91 से स्टार्ट हुआ था ना, ये हमारे हो चुके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसमें। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावन, देखिए आर्यभट्ट बहुत पुराने हैं, श्रीधराचार्य बहुत पुराने हैं, हरिश्चंद्र बहुत पुराने हैं, जो 1900 के बाद जो जन्म हुआ था 20वीं शताब्दी में वो थे श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है, और एक बार श्रीनिवास रामानुजन संख्या भी आपसे पूछी जा चुकी है, वो है आपकी 1728, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर होगी आपकी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते, ये अच्छा है माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल होता है, बहुत ही अच्छा है, सिंपल है। देखिए कमरा जो होता है वो क्यूबोर्ड टाइप का होता है, थोड़ा सा बना के समझेंगे तभी चीजें इसमें क्लियर होंगी। देखिएगा ये होता है, ठीक है, इसमें क्या कहा पता है, चारों दीवारों मतलब इसमें जो चारों दीवारों की बात हुई है ना, वो एक दीवार ये, एक इसके पीछे वाली 2, एक ये 3 और इसके इधर वाली, नीचे वाली जमीन की और ऊपर वाली छत की बात नहीं हुई इसमें, ध्यान से समझिएगा। देखिए ऊपर वाली जो छत है हमारी, उसकी छत की बात नहीं हुई है माय डियर यहाँ पे, और ना ही जमीन की नीचे की बात हुई है, यहाँ पे चारों दीवारों की बात हुई है, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो चारों दीवारों के लिए जो क्षेत्रफल बनता है वो आपका माय डियर वो बनता है आपका, देखिए फॉर्मूला, देखिए पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ, इसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई एल और बी हो गया, लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी, तो चौड़ाई को मान लेंगे एक्स, तो लंबाई हो जाएगी इसकी 2x, 2 गुनी ना, चाहिए क्लियर ना। अब देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वैसे इसका फॉर्मूला 2LBBH और HL होता है, चारों दीवारों का जो होता है फॉर्मूला वो होता है माय डियर हमारा लिटिल सरफेस एरिया, ठीक है,
वो होता है आपका 2L+B ठीक है इंटू एच बराबर कितना दिया है चारों दीवारों को मतलब या छत कल और नीचे की बात नहीं होती ठीक है 660। यहाँ पे दो लंबाई दी है यहाँ पे कितनी 2x प्लस चौड़ाई दी है आपकी यहाँ पे x इंटू 11 बराबर कितना 660। 11 से 60 और 2 से 30 ठीक है कट गया तो ये जुड़ के हो गया आपका 3x बराबर माय डियर कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया आपका 30 ठीक है x से निकालेंगे आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे चौड़ाई तो हो जाएगी माय डियर कितनी 10 और लंबाई हो जाएगी माय डियर आपके कितनी 20 ठीक है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से आपसे पूछा गया है छत की तो छत भी ना रेक्टेंगल टाइप की होती है ना छत तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है छत का एरिया छत छत का एरिया होता है रेक्टेंगल टाइप का ठीक है वो हो जाता है आपका एल इंटू तो ये हो गया 20 × 10 तो आपका आंसर आ जाएगा माय डियर 200। ऑप्शन चेक कीजिए ना 4 ठीक है अच्छा क्वेश्चन था बड़ा इंटरेस्टिंग। अगला देखिए ऐसे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ही सिंपल है। देखिए आपसे मास आप पूछा गया एलसीएम देखिए अपॉन वाले में सबसे बड़ी बात पता क्या है अपॉन वाले में ये है कि अगर आपसे एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं ठीक है और आपसे मैडियर एलसीएम पूछा गया है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एलसीएम हम निकालते हैं ठीक है तो कुछ नहीं है इन सभी का क्या निकालेंगे ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि आपसे एचसीएफ पूछा गया इस वाले फॉर्मूले के लिए एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 7 आ जाएगा ऊपर से देख लीजिए ऊपर 7 आ रहा है किसमें ऊपर 7 आ रहा है किसमें ऊपर आ रहा है आपसे ठीक है आई करनी जरूरत नहीं है एलसीएम वैसे इसका 330 आएगा नीचे वाले जरूरत नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्गमूल इसकी इतनी बेहतरीन ट्रिक मैंने आपको बताई थी। देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है अगर मैंने कहा 16 का वर्गमूल वर्ग नहीं वर्गमूल देखिए 16 का दोनों में अंतर समझते हैं वर्ग और वर्गमूल ठीक है जरूर देख 16 का वर्ग अगर मैं करता तो कर देता है 16 का स्क्वायर ठीक है और वर्गमूल करता तो रूट लगा देता भैया 16 पे मतलब 4 इसका आता 256 दोनों में अंतर है कि नहीं है दोनों में बस इतनी सी कहानी थी इतना सा फसाना था। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लगा देंगे इसके नहीं ऊपर रूट लगा देंगे 7 + 2√10 हो जाएगा। अब यहाँ पे पता क्या करते हैं ये होता है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने पर आपका इतना है और जोड़ने पर ये आए ठीक है यहाँ प्लस से मतलब यहाँ माइनस हो कोई फर्क नहीं यह मल्टीप्लाई करने पर 10 आया जोड़ने पर 7 आए ऐसा फैक्टर करना है तो हमें पता भैया 5 और कितना 2 5 2 10 5 और 2 7 तो क्या करेंगे 5 पे भी रूल लगा देंगे 2 पे भी रूल लगा देंगे ठीक है और यहाँ से मैडियर प्लस से तो बीच में प्लस लगा देंगे अब इसको आगे लिख दीजिए पीछे लिख दीजिए प्लस में तो वैसे ही है तो आपका आंसर हो जाएगा √2√5 ठीक है √2√5 सिंपल सा ट्रिक है जो मैंने आपको कई बार बता दिया है। देखिए इसमें माय डियर इसके लिए मैं आपको एक वीडियो में क्वेश्चन बता चुका हूँ ऑलरेडी जब मैंने टेट का मैथ पढ़ाया था तो उसका ठीक है उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। देखिए ये कह रहा है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की भुजा उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है ठीक है यदि त्रिभुज का एक भुजा और 4/3 है लंबी है तो इसकी आकृति का परिमाप बताइए। देखिए जैसे इस तरीके से एक स्क्वायर बना के आपको मैं समझाता हूँ एक भुजा उभयनिष्ठ है ठीक है समबाहु त्रिभुज मतलब ये साइड है सभी क्या है बराबर ठीक है तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे सभी को जोड़ेंगे ठीक है तो हो जाएगा आपका 20/3 ठीक है कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा ठीक है तो बस यही कहानी देखिए 1 2 3 4 5 ठीक है ये 6 लेने की जरूरत नहीं ये तो ऑर्गेनिस्ट है तो 20/3 हो जाएगा ठीक है 4/3 4/3 4/3 5 वाले तो 20/3 हो जाएगा आपका आंसर है 6/2/3 क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक है। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया था पहले देखिए ये मैंने बहुत कराया है आपको वीडियो 3-3 4-4 वीडियो इससे रिलेटेड मैंने बनाई हुई हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित है तो 99 से अगर विभाजित है 99 से तो इसके हम दो फैक्टराइजेशन करते हैं 9 और कितना 11 11 का रूल कहता है एक छोड़कर एक का अंतर क्या हो लेकिन 9 का तो रूल तो कहता है सबका टोटल करो और 9 से डिवाइड दो
11 का रूल थोड़ा हार्ड पड़ जाए तो 11 का ही चक्कर एक छोड़कर एक जोड़ी देंगे। 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 6 16, ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 6 13, इनका अंतर क्या 7 11 से डिविजिबल नहीं है, इसको छोड़ दें। 9 और 3 12, 12 और 6 18, 3 और 1 4, 4 और 2 नहीं, इनका भी अंतर नहीं है, देखिए 3 और 1 6, 5 और 1 6, 3 और 1 6 नहीं, 5 और 1 6, 6 और 7, 6 और 9 क्या हो रहा है, देखिए ये जोड़ रहा हूँ उल्टा हो गया था वहाँ पे, 6 और 9 15, 7 और 3 10, 10 और 2 12, इनका भी अंतर 11 से विभाजित नहीं है, इसको देखते हैं। 1 और 4 5, 5 और 4 9, वेरी गुड, 1 और 3 4, 4 5 9, ओहो अंतर 0, 11 के भाग चला जाएगा तो यही आपका आंसर, ठीक है। इनको जोड़ने से भी देखिए 9 और 9 18 हो जाए, 18 भी 9 का भाग जा रहा है, तो दोनों रूल फॉलो हो रहे हैं, तो 99 से संख्या आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब भैया पाई की तो बड़ी कहानी है, पाई को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि पाई की जो वैल्यू होती है वो आपके 180 भी होती है, 22/7 भी होती है, ठीक है, और 3.14 भी होती है, ठीक है, और 3.14 2857 2829 1429, ये कैलकुलेटर वाली होती है, तो इसको जरूरत नहीं है। वैसे तो हमसे पाई का पूछा, देखिए पाई पूर्णांक हम तब बता सकते हैं तब हमारे पास कोई नंबर हो, अभाज्य संख्या हम तब बता सकते हैं तब हमारे पास कोई नंबर हो, और अपरमेय संख्या या परमेय संख्या से यहाँ से कन्फ्यूजन है। कैसी कन्फ्यूजन भैया, परमेय संख्या तब होती तब हमारे पास कोई संख्या होती, कोई संख्या नहीं तो अपरमेय संख्या है, ना ही इसका कोई सॉल्यूशन है, फिक्स मान भी नहीं हमको पता है, तो इसका आंसर अपरमेय संख्या हो जाए, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहेगी। देखिए अच्छा जानदार बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा, हमको चाहिए 10^-2x, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, है कुछ नहीं, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है बहुत ही ज्यादा। देखिएगा हमको क्या करना है, इसको लेना है, पहले इसको ले लेते हैं यहाँ के 10^3x = 125, तो माय डियर अगर मैं आपसे कहूँ 10^3x तो है ही, अगर मैं भी 5^5 इसको 3 लिख दूँ तो बताइए कोई फर्क तो नहीं पड़ा भाई, मैंने इसको भी 5^3 लिख दिया ना, लिख दिया, अब पावर सेम कर सकते हैं हम, लेकिन बेस सेम नहीं है, बेस सेम तो नहीं है हमारे पास, तो माय डियर हम इतना कर सकते हैं कि अगर पावर सेम है तो बेस सेम होते हैं, बेस सेम है तो पावर सेम होते हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10^ यहाँ पे एक्स पे पावर 3, अब तो पावर सेम हो जाएंगे ना, ऐसे पावर सेम हो गई तो बेस भी सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कलर चेंज करके बताएंगे, तो हमारे पास ये है 10^x = 5, मुझे चाहिए -2, 10^2 यहाँ पे 2 है, तो -2 का अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँ, -2 इसकी पावर ऑलरेडी 1 होती है उसमें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10^-2x, ये हो जाएगा 5^-2, और इसी की वैल्यू मुझे चाहिए, और 5^2 को कैसे ओपन करेंगे, 1/5^2, माइनस में ना तो प्लस में हो जाएगी, तो हो जाएगा 1/5^2 मतलब 25, 1/25 कहाँ गया, यही रहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जानदार है, देखिएगा क्वेश्चन है कि 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर 167 तथा शेष पर 43 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। देखिए फॉर्मूला हमारा होता है भाज्य बराबर गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है। अब देखिए भैया किसी संख्या को, तो संख्या हो गई ये भाज्य आपके, ठीक है, रख देंगे कलर चेंज करके रखेंगे, इंटरेस्ट आता है अलग अलग कलर से बढ़ाने में। 16075 इक्वल भाजक आपसे पूछा ही है, तो भाजक को मैं डी मान लू, भागफल कितना है माय डियर 167, शेषफल कितना है माय डियर 43,
इंद्राकी मानस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माय डियर, ये आ जाएगा डी इक्वल आ जाएगा आपका 43 में से माइनस होगा तो 160, ठीक है। 43 जाएगा तो यहाँ पे 32 बचेगा, नीचे आ जाएगा 167। अब देखिएगा इसके लगभग है तो 9 बार तो जाएगा ही जाएगा, सीधी सी बात, 8 बार नहीं जा रहा तो 9 बार जाएगा, 9 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, लगभग इसी से पता चल जाएगा। देखिए 10 बार जाता तो सीधे 1670 होता, तो यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई अगर हम 167 में करके देख लें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। 9 7 3 6 और 9 5 54 और 6 0 यहाँ से हो गया माय डियर ये आपका 5। ठीक है रुकिए एक सेकंड, 9 7 63 का 3 यहाँ से लगा 6 और 9 5 54 54 ये 60 का 0 यहाँ से 6 लगे 9 और 6 ये हो जाए 15, 9 बार जाएगा लगभग, तो 9 वाला ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है ये वाला, बाकी बचेगा वो 6 बार चला जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन देख लीजिए मैंने लगा दिया है बिट्टू, ये ठीक होगा अगला, ठीक है। 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या, 50 से छोटे कितने अभाज्य संख्या होती है, देखिए गिनते हैं, 2 होती है, 3 5 7 9 11 13 ठीक है, और 17 19 23 25 26 27 28 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 44 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आपके यहाँ पे ऑप्शन ठीक हो जाए, आवाज संख्या ठीक, कुछ नहीं था इसका, आगे बढ़ते। ओहो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे भैया, देखिएगा 2 संख्याओं में से सबसे, 2 संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 होने से 3 ज्यादा है, तो देखो 2 संख्या मान लो यहाँ पे छोटी और एक बड़ी, यहाँ इक्वेशन बननी बननी है, ठीक है। छोटी आपकी x होगी, बड़ी आपकी y होगी, ये बात यहाँ पे क्लियर भी हो गई, आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं में बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 होने से 3 ज्यादा है, देखिए संख्या का, देखिए बड़ी संख्या का 2 गुना तो बड़ी संख्या का 2 गुना, ठीक, छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है, बड़ी संख्या का 2 गुना जो है ना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है, ये अधिक है, तो इसको अधिक करके हम क्या करेंगे, 5x + 3 अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा 2y, तो ये हो जाएगा 5x - 2y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन से कर सकते थे, देखिए बताता हूँ फिर भी, देखिए तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से छोटी संख्या के 3 गुने का योग, देखिए बड़ी संख्या के 4 गुने, बड़ी संख्या के 4 गुने छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या के 3 गुने और बड़ी संख्या के 4 गुने का योग 70 गुने। आप या तो ये समीकरण सॉल्व कर लो मेडियर, नहीं तो आप ऑप्शन से भी कर, समीकरण सॉल्व करना सब जानते, टेट की तैयारी की आपने तो समीकरण सॉल्व, देखिए यहाँ से देखिए बड़ी संख्या के, देखिए लास्ट वाले से देख लीजिए, बड़ी संख्या के 4 गुने छोटी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या का 4 गुना 14 6 56 और छोटी संख्या का 3 गुना 3 5 15 इसी से 71 हो रहा है, और आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आगे बढ़ते, छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं किया करते। देखिएगा एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 है उसका आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, इसकी लंबाई 16 है, चौड़ाई बताने, देखिए यहाँ पे दिया आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहाँ सीधा सीधे लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे भाई, आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो एल इंटू वी होता है, वर्ग का क्षेत्रफल साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जिसके, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 है
तो यहाँ पे 8 फुट कर दिया, 8 का स्क्वायर बराबर। यहाँ पे देखिए लंबाई दी है, चौड़ाई नहीं, लंबाई दी है 16 गुणा चौड़ाई आपसे पूछिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 16 बी बराबर हो जाएगा 64, 16 × 64 तो बी बराबर आ जाएगा 64। ऑप्शन देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था टीचर लेवल का। आगे बढ़ते भैया, 16 हमारे क्वेश्चन कितने हो चुके हैं ये देखिएगा, हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 15 25, 5 रह गए, ये नया कर लेते हैं रमी भाई सोएंगे। देखिएगा माय डियर, अब बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, यही इसी की ए की वैल्यू यही है, बी की वैल्यू यही है, सी की वैल्यू यही है, इसी इन्हीं की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट वाली बात नहीं। देखिए तो यहाँ पे केवल पहले को पुट करना है, हमको पुट करना है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना सी, ए की वैल्यू कितनी 3 पुट कर दी। ये एच डी यादव बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया है, सेम टू सेम एज इट उठा के किसी ने दे दिया है, सी की 7/7, 7 × 7 = 14, 14/7 बटा कितना हो जाएगा 2, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा है, कैलेंडर का क्वेश्चन है भैया, इसको समझाएंगे आपको। देखिए ये कहा है 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, यहाँ लिख देते हैं कि 5 जनवरी 1991 को शनिवार, ठीक है, 3 मार्च 1992 को पूछा है, 3 मार्च 1992 को आपसे पूछा है क्या था, ठीक है। देखिए अगर ये डेट सेम होती तो ईयर हम आसानी से निकाल देते कि ये मार्च का महीना होता, डेट भी आपकी 3 होती और 3 ही मार्च होता 1991, तो हम कुछ नहीं करते, हमको पता है कि जिस दिन से स्टार्ट होता है आपका ईयर उसे एक दिन बढ़ा के दूसरा ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर आप लीप ईयर होता है तो 2 दिन बढ़ा के होता है, ये चीजें आपको याद रखनी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डेट को ये डेट बना लेंगे 1991 में, ठीक है। तो हमको डेट बनानी क्या है, हमको डेट बनानी है माय डियर कि हमको करना है कि 3 मार्च अगर हम 1991 को निकाल पाए क्या था, तो हम आसानी से इसको बता सकते, वो कैसे निकालेंगे, देखिए मार्च से मार्च में जाना है 1991 ये सीधा सीधा, तो 5 दिन तो ये हो गए जनवरी के, ठीक है, बचे कितने आपके 26 दिन ये रह गए आपके, रह गए कि नहीं, 31 का होता है, फरवरी में आए 1991, फरवरी लीप ईयर की नहीं होगी तो 28 फरवरी के हो गए, मार्च के कितने हो गए 3 हो गए, 3 ये मार्च के हो गए, टोटल करेंगे 8 × 6 = 14 × 3 = 17 आंसर लगाइए 57, 7 से भाग देते हैं डे 7 होते हैं ना, इसलिए तो 7 × 8 = 56 कितना होता है 1 बचा, तो यहाँ पर हमारा 1 क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो रविवार, इस दिन क्या था रविवार, 1991 से 1992 में जाना है, ठीक है, मार्च में, तो बीच में फरवरी पड़ रही, वैसे हम एक दिन बढ़ाते हमारा आंसर सोमवार हो जाता, लेकिन लीप ईयर पड़ गया ना 1992 तो एक और बढ़ा देंगे प्लस एक और, तो रविवार में 2 दिन बढ़ जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मंगलवार, सिंपल था, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 8, ये सिंपल है, कैलकुलेशन है, बोर्ड मास वाला क्वेश्चन कराएंगे इसको भी। देखिए पावर को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि माइनस है, तो हम क्या करें इसको उल्टा कर देंगे, पावर प्लस की हो जाएगी, ठीक है, इसको लिखेंगे माय डियर 3/1, एक नीचे लिखने की वैसे जरूरत नहीं, फिर मैं लिख दिया इसको 4/1, ये कोष्टक क्लोज, कोई सा लगा दो कोई फर्क नहीं, बार यहाँ पे 4/1, ये एक मैंने लिख दिया वैसे जरूरत नहीं है, 3 × 27, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 डिवाइड, ये ब्रैकेट में है, पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद 4 का 64, 27 में 16 गया तो कितना बचा आपका 11, और नीचे कितना देखिए डिवाइड में है ना ये 64, तो ये नीचे आ जाएगा 11/64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो जाएगा। मेरे सामने ये कुछ पेपर होता तो धज्जियां उड़ा देता इसके में। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों के इसमें, आज के बाद नहीं होगी। देखिए एक त्रिभुज की रचना करनी है, संभव भुजाएं क्या होती है, देखिए त्रिभुज की रचना करने के लिए मैं ये सिंपल से मेथड बता दूं कि त्रिभुज की जो साइड होती है कोई सी भी ले लीजिए आप ए बी सी, ठीक है, तो 2 साइड का जो टोटल होता है वो बड़ा होना चाहिए तीसरी से, ये पैटर्न आपका होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी कन्फ्यूजन बच्चों को, तो कौन सी साइड ले, तो बड़ी वाली साइड आपकी 1 होनी चाहिए, आपको सबसे पहले बड़ी वाली ढूंढनी है, समय इसमें सबसे बड़ी क्या है ये आपकी, इसमें सबसे बड़ी क्या है
आपकी ये है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी क्या है माय डियर, आपकी ये है, और इसमें सबसे बड़ी क्या है, आपकी है। अब देखेंगे क्या बाकी दो का टोटल इनसे बड़ा हो रहा है, इससे बड़ा हो रहा है जो आपने बड़ी चूज की है। देखिए इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इनसे बड़ा। देखिए चार और पांच नौ, और देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.10, 10.5, इससे बड़ा हो रहा है। ये ठीक है, ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है। और चेक करते हैं ये सेंटीमीटर ये मिलीमीटर है, तो 10.5 कर देंगे इसको, कर देंगे इसको 3.9 कर देंगे, कर दिया सेंटीमीटर मांग लिया बड़ी वाली वजह। इन दोनों को जोड़ कर देखेंगे 3 और 6, 9, 12, 14, तो ये 10.4 हो रहा है, ठीक है। ये इससे बड़ा है, देख अभी चेक कर लेंगे 10.4 हो रहा है। इसको देखेंगे मैं डियर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 और 3, 8, 8.8 हो जाएगा। यहाँ से इनको जोड़ेंगे 6। अब देखिए ये आपको चेक करना है, जो मैंने गोला सर्कल किया था उनसे बड़ा आ रहा है कि देखिए इनसे बड़ा आ रहा है, इसमें बड़ा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इससे बड़ा नहीं आ रहा ना, इससे बड़ा नहीं आ रहा, बराबर आ रहा है जीरो अंतर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपको भी ठीक हो जाएगा, यही सही था इसमें। लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम भी फ्री हो जाएंगे और आपका ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझा देंगे आपको। देखिए यहाँ क्या करना होता है कि आपके यहाँ पर देखिए पावर कुछ नहीं है, रोड पे कुछ नहीं तो 2 माना जाता है, जैसे ये आपको दिया गया है रोड 3, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 मान लीजिए, कुछ नहीं तो 2, यहाँ पे दिया है रूट 4, यहाँ पे 3 दिया है, और यहाँ पे दिया है 4√5। आरोही क्रम में तो तब लिख पाएंगे, तब हम संख्या को निकालें छोटी कौन सी बड़ी कौन सी। तो माय डियर इनका हम एलसीएम ले लेंगे, इनका लगी हुई वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो हमको पता चलेगा भैया कि इनका एलसीएम आ गया 12, 2 से कितना 6, 3 से कितना 4, 4 से कितना 3, ठीक है। हमको क्या करना है, 3 पे पावर लगा देना है 6, 3 पे पावर 6, और उसके बाद देखिए यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखता 3 पे पावर 6 हो जाएगा 3, 3 थी 9 थी 27, 27 थे 81, 27 थी 81, 3, 3 थी 9, 9 थी 27 थी 81, 41, 243 हो गया, 243 में गुणा करूँगा 3 का, 3 थी 9, 3 6 12, 3 6 7, 27 ही होगा, ठीक है। ये 4 पे पावर 4 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ इस पे पावर लगता है इस वाले पे, ठीक है, जो भी यहाँ आता है वो इस पे पावर लगता है, 4 पे पावर 4, तो 4 पे पावर 4 6 16, 16 6 64, 256 हो जाएगा, और ये 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3 हो जाएगा 125, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी आपकी है, उससे छोटी है, उससे छोटी लाइन से दी हुई है, लाइन से दी हुई है, देखो लाइन से दी हुई है, 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 तो पहले ही आएगा आपका, फिर ये आएगा, फिर आपका ये आएगा। तो कहीं दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा दिख गया, ये आप कहां समझे। तो आपका ये बेस्ट तरीके से मैंने सॉल्यूशन करा दिया, सारी चीजें आपको समझा दी। क्वेश्चन मैं नहीं करा पाया, उसको मुझे डाउट था, उसको मैं देखकर किसी न किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आपसे माय डियर हम्बल रिक्वेस्ट मेरा यही है, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल से अगर आप माय डियर जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर से हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।